please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस बीच राम मंदिर के मुद्दे पर शिया नेताओं में ही दो फाड़ हो गए। शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की उस बात का विरोध किया है जिसमें रिजवी ने मस्जिद को विवादित जगह की बजाय कहीं और बनाए जाने की दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वो सबको काबिल कबूल हो। देखिए अब ये वसीम रिजवी साहब किस जाविये से कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, जो जगह मस्जिद की है वहीं के ऊपर मस्जिद बनना चाहिए, सारी लड़ाई इसी बात की है। और अजीत सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यूपी सरकार की ओर से फिल्म रिलीज होने पर शांति व्यवस्था को लेकर हाथ खड़े किए गए हैं। पत्र में फिल्म स्क्रिप्ट में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर जो जनाक्रोश है उसको देखते हुए फिल्म के रिलीज होने से शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई। सेंसर बोर्ड से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला करने की अपील की गई। कई संगठनों ने सिनेमा घर के मालिकों से इस फिल्म का प्रदर्शन ना करने की बात कही और प्रदर्शन होने की सूरत में सिनेमा घर में तोड़फोड़ आगजनी की धमकी दी। गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव को अवगत कराया कि इस समय उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जिसमें 22, 26 और 29 नवंबर को तीन चरणों में मतदान होना है। मतगणना की तारीख 1 दिसंबर 2017 है। कुछ त्यौहार भी इस दौरान पड़ रहे हैं। ऐसे में कानून और जो उसकी व्यवस्था है उसकी स्थिति के मद्देनजर 1 दिसंबर को फिल्म का रिलीज होना शांति व्यवस्था के हित में नहीं होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के कार्यकर्ता हाथों में केसरिया रंग के झंडे लेकर फिल्म पद्मावती के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने फिल्म को देश भर में बैन करने की मांग की और विरोध दर्ज कराने के लिए एक मार्च भी निकाला। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का आरोप है कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का पैसा लगा। वो आईएसआई और दाऊद के इशारे पे, दाऊद की फंडिंग पे ये फिल्में बनाते हैं। इन लोगों ने फिल्म बैन नहीं होने की सूरत में हिंसा की भी धमकी दी। प्रधानमंत्री से सीधी मांग करते हैं ये पिक्चर बैन हो। फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध की आग राजस्थान के बाद अब देश के बाकी राज्यों में भी फैल चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में भी राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावती के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं फिल्म को लेकर मचे घमासान के बीच कुछ इतिहासकार भी सामने आए जो ये मानते हैं कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। पद्मिनी का एक आदर्श चरित्र है, अगर उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है तो ये नहीं किया जाना चाहिए। फिल्म को लेकर मचे घमासान के बीच फिल्म से जुड़े लोग भी तमाम पक्षों से फिल्म का विरोध नहीं करने की अपील कर चुके हैं। इसके बाद भी विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। उधर शीना बोरा मर्डर केस में नाचकीय मोड़ सामने आया। इस मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति को इस हत्या में शामिल होने की बात कही। इंद्राणी ने कोर्ट ट्रायल से पहले पीटर मुखर्जी की कॉल डिटेल निकालने की मांग करके सनसनी फैला दी। इंद्राणी ने कोर्ट को लिखे पत्र में कहा कि पीटर की कॉल डिटेल निकालने के बाद शीना के हत्याकांड और अपहरण के मामले में सीबीआई को अहम सुराग मिलेंगे। बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए सरकार प्रॉपर्टी की जांच करेगी। बेनामी संपत्ति और कर चोरी को रोकने के लिए सरकार 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति की जांच करेगी। इनकम टैक्स विभाग AIADM के नेता शशिकला से जेल में पूछताछ कर सकता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में खाने के पैकेट लेने के लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के कवि कुंवर नारायण का 90 साल की उम्र में दिल्ली में बीमारी की वजह से निधन हो गया। गोवा में खेले गए एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर के एक मुकाबले में भारत और म्यांमार के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। फिल्म पैडमैन का एक और पोस्टर सामने आया जिसमें अक्षय कुमार और सोनम कपूर है। केरल में जमानत पर रिहा दक्षिण भारत के अभिनेता दिलीप को एक अभिनेत्री से छेड़छाड़ करने के मामले में जांच टीम ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के कोटा और दूसरी जगहों पर खनन कारोबारियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। फिल्म फुकरे रिटर्न्स का पहला गाना ओ मेरी महबूबा जारी कर दिया गया जो कि 1977 में आई फिल्म धर्मवीर का रीमिक्स है। खबर है कि तबीयत खराब होने की वजह से कपिल शर्मा अपनी फिल्म फिरंगी के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार के शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नहीं जा सके। कोलंबिया की सिंगर शकीरा ने गले में परेशानी की वजह से यूरोप में होने वाले अपने सभी कार्यक्रम टालते हुए प्रशंसकों से माफी मांगी।
गुजरात चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 3 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। पार्टी का कहना है कि लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हो गई, लेकिन नामों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद तमाम केंद्रीय नेता निकल गए, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और बाकी प्रदेश नेताओं के साथ करीब आधा घंटा बैठक और करते दिखे। सभी नेताओं के चले जाने के बाद पार्टी की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सिर्फ इतना कहते नजर आए कि नामों पर चर्चा हो गई है, लेकिन ऐलान उचित समय पर होगा। 21 नवंबर को राज्य में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वैसे कांग्रेस ने भी अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। आपकी सीटों पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा हुई, उचित समय पर निर्णय लेकर के आपको बताया जाएगा, और इसलिए अभी उसकी सूची जारी नहीं हो रही है, लेकिन अधिकतर सीटों पर गुजरात के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है और उचित समय पर उसका निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन इस दौरान जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो पीओके पर एक बार फिर विवादित बयान दे डाला और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। जोश में आकर फारूक अब्दुल्ला भाषा की मर्यादा तक भूल गए। 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके, आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला खड़े तो हिंदुस्तान की धरती पर थे, लेकिन तारीफ पाकिस्तान की कर रहे थे। हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें, वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने उरी सेक्टर में उस जगह ये विवादित भाषण दिया जो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है। ये पहली बार नहीं है जब पीओके को लेकर फारूक के बोल बिगड़े हैं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उससे कोई नहीं छीन सकता, जिसकी वजह से हर बार उनकी फजीहत हुई। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को संसद की सदस्यता छोड़ने की चुनौती दी। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भारत के बाप का नहीं है, तो उनको कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान के भी बाप का नहीं है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला से किनारा कर लिया। जम्मू और कश्मीर अभिन्न अंग हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। कश्मीर मामलों के जानकार सुशील पंडित ने भी पीओके पर फारूक के बयान की निंदा की। अपने भीतर ये सोचे बैठे हैं कि ये इनकी अपनी जागीर है पुश्तैनी, कभी इसको और कभी उसको उधर उधर बांटते फिरते हैं खैरात की तरह। बयान पर मचे घमासान के बीच बिहार की जमुई कोर्ट में एक वकील ने फारूक अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज कराया। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की नई तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी कश्मीर के इलाके में मौजूद 2 दर्जन से अधिक आतंकियों की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पारा लुढ़का। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बार बालाओं पर पैसा उड़ाते हुए पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक जिम्बाब्वे में सभी भारतीय सुरक्षित है। बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 54 शिक्षकों पर फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का आरोप लगा। नवी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को युवक ने सरेआम सड़क पर थप्पड़ मार दिया। ग्रीस में आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग फंस गए हैं।